बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और रिया चक्रवर्ती को अब पूरे 28 दिन बाद मिली बहुत बड़ी राहत। अब रिया चक्रवर्ती को नहीं रहना पड़ेगा भाई खल्ला जेल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती के साथ सैमुअल मिरांडा और दीपेश को भी जमानत मिल चुकी है। लगभग एक महीने बाद उनको बेल मिली है। दीपेश का रोल ऐसा था कि दीपेश सुशांत सिंह के हाउस मैनेजर थे, उनके साथ एम्प्लॉयड थे, वो पहले प्रोजेक्ट मैनेजर थे, फिर काम छोड़ दिए, फिर वापस ज्वाइन किए। उनका रोल इतना था कि उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस कलेक्ट करने के लिए, कुछ नीड्स है हाउस होल्ड गुड्स है उसका, और सैमुअल मिरांडा का रोल एग्जैक्टली सेम था उनका दोनों का, और वो हिसाब से वो दोनों का रोल तो खाली बहुत लिमिटेड था। हमारा कोर्ट के सामने यही आर्ग्यूमेंट था या यही दलील दिए थे कि वो फाइनेंसिंग में, उनका एलिगेशन भी नहीं है कि वो फाइनेंसिंग परचेसर और या सेलर है। इनका काम खाली था कि कहीं भी से भी पार्सल उनको बोला जाए जाके कलेक्ट कर लो, तो वो कलेक्ट करते। माय क्लाइंट विल बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश रहेंगे कि आज उनको जमानत हो गई है। हमारा कहना कोर्ट के सामने ये था कि उनके खिलाफ जो एलिगेशंस थे वो एलिगेशंस बेलेबल नेचर के थे। दूसरी बात, हमने कोर्ट के सामने ऐसे रखी थी कि जो रिलेशनशिप था सुशांत सिंह राजपूत और सैमुअल मिरांडा का, ये मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप था। ना तो सैमुअल मिरांडा ने उनके लिए कुछ खरीदा था या तो फाइनेंस किया था, तो इसके लिए उनके खिलाफ जो एलिगेशंस थे वो सीरियस नहीं थे। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि रिया चक्रवर्ती को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में जाके पासपोर्ट जमा करना होगा, और जब रिया चक्रवर्ती शहर छोड़ेगी उससे पहले सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ के अधिकारियों को सूचित भी करेगी, और साथ में रिया चक्रवर्ती जब जेल से निकलेगी तो उनको 10 दिन तक सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी देना होगा। अभी मैं DRDO गेस्ट हाउस के यहाँ पे खड़ी हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज सुशांत सिंह राजपूत के केस में CBI फिर से मुंबई रिटर्न आ गई है, और आने के बाद यहाँ पे CBI फिर से जांच पड़ताल करेगी। और अभी तक 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, CBI द्वारा कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया है कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्या है या आत्महत्या है। यश डेटा से मैं रोशनी दुबे।